बुलाया मैंने सबसे पहले आने वाले लड़के लड़कियों को, 14 एसडीएम के साथ बनाए, उनके साथ एक साथ मीटिंग की। मैंने पूछा उनसे कि बताओ आपको सूचनाएं होंगी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ पैसा वैसा चलता था, खासतौर से जो की पोस्ट मानी जाती है, मलाई वाली पोस्ट मानी जाती है। मैंने उनसे पूछा बताओ आपको हम एसडीएम बना के भेज रहे हैं, किसी ने एक पैसे की रिश्वत मांगी मेरे से या मेरे नीचे आगे पीछे किसी ने मांगी? किसी ने कहा कि तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देंगे, ये फेवर कर देना? बोले नहीं। मैंने कहा जब मैं नहीं मांग रहा तो अब आपकी हिम्मत भी होनी चाहिए कि जिस पोस्ट पर आप जाके बैठोगे वहां पैसा लेंगे। दूसरा, हमने रेज करनी बंद कर दिया। अभी सचिन भाई बता रहे थे एक और भ्रष्टाचार होता था, वो सरकार में काम बनता है, पता चला 100 करोड़ का है, तो मुझे पिछले वालों ने बताया, कुछ पिछले वाले भुख भोगी साथियों ने भी खुश महसूस कर रहे हैं, आराम महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी आराम से गुजर सकती है, बिना भ्रष्टाचारियों को भी गुजर सकती है। ऐसे कुछ अधिकारियों ने बताया, कुछ अंदर के साथियों ने बताया, बोले जी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता था तो मंत्री 20 करोड़ लगवा देता, बोले 100 करोड़ तो है, 20 करोड़ देने लगा, 120 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाओ, क्या नुकसान है? हमारे सतेंद्र भाई आ गए, पेशे से आर्किटेक्ट है, बोले मेरे को तो समझ आता है कैसे बिल्डिंग बनती है, बताओ इंजीनियर्स के साथ बैठे, ठेकेदारों के साथ बैठे, खूब जद्दोजहद की और बढ़िया आदमी है, कोई देखो मीडिया वालों को मिल गया मसाला। मनीष सिसोदिया ने चाहती हूँ आतंक शब्द यूज किया, ये नहीं समझेंगे किसने बोला था, ये नहीं कहेंगे किस सेंस में बोला। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के मंच पर मनीष सिसोदिया ने जातिवाद शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रेकिंग न्यूज, पहला हेडलाइन, कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी है सब, क्या करते हैं नफा नुकसान बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। बुला के बोले ये प्रोजेक्ट अच्छे स्कूल कितने में बनता है? बोले जी कितना? 20 करोड़ में। उन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों से पूछा कि आपका कितने में बनता है बढ़िया वाला स्कूल? बोले जी 12 करोड़ में। ऐसा बोले 20 करोड़ वाला स्कूल 12 करोड़ में बन सकता है तो और अच्छा बन सकता है, प्राइवेट स्कूल की कई की तो बहुत बुरी हालत है, कई की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसे वाले से पूछा था। तो उन्होंने कहा तो अब तो जो जनता के पैसे से बनेगा वो भी 12 करोड़ में उतना ही अच्छा बना के दिखाएंगे। इन्होंने अस्पतालों में भ्रष्टाचार रोका, ये सारे डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हैं, 3 के कंसल्टेंट आर्किटेक्ट मिल गए हमको, सारे कुछ भी बनाना होता है इनसे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, भाई साहब इसका कॉस्टिंग देख लो। तो यहां से बेईमानी रुक रही है।